फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। एज वी आर कंटिन्यूइंग विद द इंडियन ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज, दिस इज लेक्चर नंबर 15। तो आपको याद होगा वी आर डीलिंग विद रिवर्स ऑफ इंडिया, जिसपे हमने पेनिनसुलर रिवर, नॉर्दर्न रिवर्स तो कंप्लीट कर चुके थे। पेनिनसुलर रिवर्स में हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, दैट इज ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। और सबसे पहले जो मैंने स्टार्ट किया था, दैट इज वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स मतलब जो ईस्ट से वेस्ट की ओर आ रही हैं, और द रिवर्स विच आर ड्रेन इनटू अरेबियन सी, उनको अपन डील कर रहे थे, जिसमें से अपन ने नर्मदा रिवर, तापी रिवर, साबरमती और माही रिवर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था अपने लास्ट लेक्चर में। तो जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, प्लीज लेक्चर नंबर 14 आप देख लें, देन आपको बेटर लेक्चर नंबर 15 समझ में आएगा। तो चलिए उसी को कंटिन्यू करते हैं अपन। जो अपना टॉपिक था, दैट इज वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स। चार हमने कर ली थी, नर्मदा, तापी, साबरमती एंड माही। विल कंटिन्यू टू द फिफ्थ रिवर। जो फिफ्थ वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, गोवा की है, दो फेमस रिवर्स है, गोवा की दो रिवर्स है, दैट इज मंडोवी एंड ज्वारी। याद रखिएगा, दो फेमस रिवर है, दैट इज मंडोवी एंड ज्वारी रिवर, ठीक है। ये रिवर्स वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती हैं, दे आर वेरी फेमस, बहुत स्मॉल रिवर्स है, ज्यादा बड़ी नहीं है, वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती हैं और अरेबियन सी में जाकर गिर जाती हैं। फेमस रिवर्स ऑफ गोवा, तो इनके नाम भी याद रखिए, पूछा सकता है कि मंडोवी रिवर कहां की रिवर है, याद रखिए गोवा, एंड ज्वारी भी गोवा की, ठीक है। और ड्रेन कहां होती है, पानी कहां गिरता है इनका, दैट इज एट अरेबियन सी। नेक्स्ट आते हैं हम कर्नाटका की कुछ फेमस रिवर जो इंपॉर्टेंट है, एक है काली नदी, एक है शरावती रिवर, एक है नेत्रवती रिवर, ठीक है। तो तीन रिवर्स मैंने लिखी हैं, तीनों ही रिवर्स याद रखिएगा अरेबियन सी में ड्रेन आउट कर रही हैं। फेमस रिवर है इसमें जो बीच वाली रिवर लिखी, दैट इज शरावती रिवर। दिस इज वेरी फेमस क्योंकि इसे बहुत फेमस वाटरफॉल बनता है जो कर्नाटका में है। इस वाटरफॉल का नाम है जॉग वाटरफॉल, याद रखिएगा जॉग वाटरफॉल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वाटरफॉल, ठीक है। और ये तीनों रिवर्स ड्रेन एट अरेबियन सी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में, दैट इज केरल में। केरल में ये दो रिवर्स हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी, जिनका नाम है पेरियार रिवर और दूसरा है पंबा रिवर। तो याद रखिएगा पेरियार एंड पंबा रिवर, बोथ रिवर्स ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी, ठीक है। जो पेरियार रिवर है, ठीक है, अगर इसका ओरिजिनेशन देखा जाए तो अनामलाई हिल्स हैं, वहां से ओरिजिनेट होती है। और जो पंबा रिवर है वो कार्डमम हिल्स हैं, द साउथ मोस्ट हिल्स ऑफ इंडिया, पूछा था कार्डमम हिल्स से आंसर होता है, तो कार्डमम हिल्स से ओरिजिनेट होती है पंबा रिवर। और दोनों ही रिवर्स याद रखिएगा अरेबियन सी में गिरती हैं। तो अपन ने देख लिया, आई थिंक चार पहले देख ली थी, आज देख ली मंडोवी, ज्वारी, काली नदी, शरावती, नेत्रवती, पेरियार और पंबा। तो ये सारी रिवर्स जो है, दैट इज अरेबियन सी में गिरती है, दे ऑल आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ठीक है। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो अगला टॉपिक था, दैट इज ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स। जो ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स है उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है दामोदर रिवर, ठीक है, बहुत फेमस रिवर है, इसको सौरो ऑफ वेस्ट बंगाल कहा जाता है, याद रखिएगा इट इज नोन एज सौरो ऑफ वेस्ट बंगाल ड्यू टू इट्स फ्लडिंग, बहुत ज्यादा फ्लड लाती है वेस्ट बंगाल में, इसलिए इसको सौरो ऑफ वेस्ट बंगाल कहा जाता है। इसका सोर्स अगर दामोदर रिवर का पूछा जाए, तो जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, आपको पता होगा छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो झारखंड में है, ठीक है। तो मतलब रिवर का ओरिजिनेशन झारखंड में है, छोटा नागपुर प्लेट्यू से दामोदर रिवर ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और याद रखिएगा इसमें एक बहुत फेमस इसकी ट्रिब्यूटरी है, दैट इज ऑफ दामोदर रिवर, उसका नाम आप नोट डाउन कर लीजिए, याद रखिएगा बैराक रिवर, ठीक है, बैराकर रिवर, इसको बैराकर रिवर भी कहते हैं अपन, बैराक नहीं कहेंगे, बैराकर रिवर कहेंगे, BARAKAR, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिब्यूटरी है किसकी, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर रिवर। याद रखिए ये जो ट्रिब्यूटरी है ये भी छोटा नागपुर से ही ओरिजिनेट हो रही है, मैं लिखा भी है, इट ऑल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। तो दामोदर रिवर याद रखिएगा आप, ठीक है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर, ओरिजिनेट होती है झारखंड से, ठीक है, और ड्रेन आउट करती है वाटर को, याद रखिए कहां पर, वेस्ट बंगाल से होते हुए अरेबियन बे ऑफ बंगाल में, क्योंकि ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है तो ये सारा पानी कहां ड्रेन आउट करेंगे, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। इसमें फेमस अगर इसकी मैं बात करूं, ये दामोदर रिवर जहां फ्लो करती है, द रीजन इज वेरी फेमस फॉर आयरन एंड स्टील, तो याद रखिएगा आयरन स्टील के लिए फेमस है ये रीजन। और ये दामोदर रिवर जो है ये भी रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए कि दामोदर रिवर ऑल्सो फ्लो एट रिफ्ट वैली, और सोर्स इसका क्या है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। चलिए आगे आते हैं अपन, नेक्स्ट रिवर पे आते हैं, दैट इज
ईस्ट फ्लोइंग रिवर और वो जो है दैट इज सुबर्णरेखा रिवर. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें मैंने दो रिवर्स और लिखी है, सुबर्णरेखा, बैतरानी रिवर और ब्राह्मणी रिवर. तो याद रखिए तीनों रिवर इंपॉर्टेंट है. क्यों, देखिए अपन डिस्कस करते हैं. तीनों रिवर अगर देखा जाए तो छोटा नागपुर पेट्यू से ही ओरिजिनेट होती है. तो चलिए छोटा नागपुर पेट्यू मैंने आपके सामने बनाया हुआ है. देखिए जो छोटा नागपुर पेट्यू, इसको पहले मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया. लेट अस सपोज ये नॉर्थ पार्ट है छोटा नागपुर पेट्यू का, ये साउथ पार्ट है. याद रखिए छोटा नागपुर पेट्यू मेनली कहां लाई करता है, झारखंड में. इसके नॉर्दर्न पेट्यू को, छोटा नागपुर पेट्यू को हम कहते हैं हजारीबाग पेट्यू. व्हाट वी कॉल देम, हजारीबाग पेट्यू. जबकि इसका सर्दर्न पार्ट जो है छोटा नागपुर पेट्यू को, उसको हम कहते हैं रांची पेट्यू. ठीक है, और इसी रांची पेट्यू का जो सर्दर्न पार्ट है, इसी का अपन कह सकते हैं सर्दर्न में जो एज है, किसका एज है, छोटा नागपुर पेट्यू को जो साउथ में एज है, ठीक है, उसको अपन कहते हैं गजहट हिल्स. याद रखिएगा एज ऑफ छोटा नागपुर पेट्यू इन साउथ, उसकी वजह से मैंने यहाँ पर डार्क लाइन बना रखी, दैट इज नोन एज गजहट हिल्स. और अगर मैं बात करूँ नॉर्थ ईस्ट की, मतलब छोटा नागपुर पेट्यू के नॉर्थ ईस्ट पर भी एक एज है, जहाँ पर भी एक अगेन हिल्स है, उन्हें कहते हैं राजमहल हिल्स. तो यार राजमहल हिल्स और गजहट हिल्स याद रखिएगा, दे द पार्ट ऑफ छोटा नागपुर पेट्यू, बट एक सर्दर्न साइड में है और एक नॉर्थ ईस्टर्न साइड में है. तो इसको आपको लोकेशन इसकी याद रखनी है. ठीक है, अलग से रेंज नहीं है, छोटा नागपुर पेट्यू के अंदर ही है, बट वहाँ की हिल्स है तो इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब अपन ने तीन रिवर्स लिखी हैं, सुबर्णरेखा, बैतरानी और ब्राह्मणी रिवर. इनके बारे में आपको बता दूं, जो सुबर्णरेखा रिवर है छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है, वो रांची प्लेट्यू से निकलती है. मतलब जो सर्दर्न साइड है छोटा नागपुर प्लेट्यू, वहां से ओरिजिनेट होती है सुबर्णरेखा रिवर. नेक्स्ट जो है बैतरानी रिवर, याद रखिए अभी मैंने बताया आपको गजहट हिल्स, दैट इज द एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू, साउथ में जो एज है वहां से ओरिजिनेट होती है बैतरानी रिवर. और जो ब्राह्मणी रिवर है, ठीक है, ब्राह्मणी रिवर, दिस इज फेमस क्योंकि दो रिवर्स के मिलने की वजह से ब्राह्मणी रिवर बनती है. और ये दो रिवर्स जो हैं, एक है संघ, SANKH संघ, और दूसरा है साउथ कोल रिवर. ठीक है, ये साउथ कोल और संघ दोनों ही छोटा नागपुर प्लेट्यू से ओरिजिनेट हो रहे हैं. ठीक है, लेकिन ये साउथ कोल जाकर इस संघ रिवर पर मीट कर जाती है, याद रखिएगा राहुल किला पे. राहुल किला कहां पर है, याद रखिएगा उड़ीसा में. तो यहां पर ये रिवर साउथ कोल मिलती है संघ पे और इसका नया नाम बन जाता है, दैट इज नोन एज ब्राह्मणी रिवर. इसलिए ब्राह्मणी रिवर याद रखिएगा इन दो रिवर्स के मीट करने से बनती है. और ये दोनों रिवर जो है छोटा नागपुर पेट्यू से ही ओरिजिनेट होती है. तो अपन को याद रखना है अबाउट दीज थ्री रिवर्स. ठीक है, और तीनों रिवर्स अपना पानी कहां ड्रेन आउट कर रही है, दैट इज एट बे ऑफ बंगाल. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है ईस्ट फ्लोइंग रिवर, दैट इज महानदी रिवर. याद रखिए महानदी रिवर बहुत फेमस है. इसमें एक बहुत फेमस, अगर देखा जाए तो एक फेमस डैम है इस महानदी रिवर पे. ओडिशा में डैम बना हुआ है, जिस डैम का नाम है हीराकुंड डैम. याद रखिएगा द डैम इज वेरी इंपॉर्टेंट, हीराकुंड डैम. महानदी रिवर का अगर मैं सोर्स पूछूं, ठीक है, तो याद रखिएगा इसका सोर्स है दंडकान्या रीजन. ठीक है, महानदी का सोर्स है. और अगर स्टेट अगर आप जाना चाहते हैं किस स्टेट से महानदी ओरिजिनेट होती है, तो आंसर है छत्तीसगढ़. तो याद रखिएगा दंडकान्या रेंज है. ठीक है, यहीं पर दंडकान्या रेंजन में ही ये लाई करता है. तो ये जो ओरिजिनेट है वो छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट होती है महानदी रिवर. ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं कुछ महानदी की, आप इसको सिर्फ एक बार गो थ्रू कर लीजिए. शिवनाथ, हसदो, मंद, तेल, जोंग एंड ओंग रिवर. तो ये सब इसकी कुछ फेमस ट्रिब्यूटरीज हैं महानदी रिवर की. फेमस डैम ऑलरेडी बता चुका आपको, ओरिजिनेट छत्तीसगढ़ में हो रही है, बट इसका एक बहुत फेमस डैम है उड़ीसा में, दैट इज नोन हीराकुंड डैम. ठीक है, एक फेमस याद रखिए कोल सिटी है, जो कोल सिटी, इसको उड़ीसा की कोल सिटी कहा जाता है. तलचर, याद रखिएगा तलचर इज अ कोल सिटी ऑफ उड़ीसा. और ये तलचर जो है वो भी महानदी रिवर के बैंक पे ही तलचर लोकेटेड है. कोल सिटी जो है, ये तलचर जो है याद रखिए महानदी पर ही सिचुएटेड है, महानदी के बैंक पे. ठीक है, तो ये अपनी महानदी रिवर थी. नेक्स्ट रिवर है दैट इज ऋषिकुल्या रिवर, वेरी फेमस रिवर. ये न्यूज में रहती है, बताता हूँ क्यों आपको. ऋषिकुल्या रिवर का ओरिजिनेशन तो देखिए उड़ीसा से ही है, मतलब ये उड़ीसा से ही ओरिजिनेट हो रही है. ठीक है, और रीजन आप देख सकते हैं दारिंगबादी हिल्स. ठीक है, तो दारिंगबादी हिल्स जो है वहां से ही ओरिजिनेट होती है ऋषिकुल्या रिवर्स. और ये ऋषिकुल्या रिवर है ये फेमस क्यों है, एक्चुअली एक बहुत फेमस टर्टल्स हैं. ठीक है, जिनका नाम है ओलाइव रेडली टर्टल. ठीक है, तो ये ओलाइव रेडी टर्टल क्या होते हैं, ये हैचिंग के लिए आते हैं, मतलब टू ले एक्स, एक्स को अपने देने के लिए इस रिवर के बीच पे आते हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट, जब ये रिवर समुद्र में मीट करती है, ठीक है, तो उसी के साइड वहीं पर एक हैचिंग साइट बनती है. किनकी, ओलाइव रेडली टर्टल्स की. अच्छा, हैचिंग साइट जहां रिवर मीट करती है, कहां पर, अरे बे ऑफ बंगाल में. ठीक है, और ये डिस्ट्रिक्ट कहां है मैं बता दूं, जिसमें दारिंगबादी हिल्स जो है, ये गंजम डिस्ट्रिक्ट में ये हिल्स पड़ती है.
उड़ीसा में, ठीक है। और एक फेमस बीच है जहां पर हैचिंग होती है, मास नंबर पे हैचिंग होती है, थाउजेंड्स ऑफ फीमेल टर्टल्स आते हैं और मास हैचिंग एग्स देते हैं। तो याद रखिए ये बीच जो है गहरी माता बीच है, याद रखिए गहरी माता बीच पूछा जाता है कहां पर है, आंसर वुड बी उड़ीसा, ठीक है। और याद रखिएगा ये एक फेमस टर्म है अरीबाड़ा, ये अरीबाड़ा क्या है, अरीबाड़ा का मतलब ये होता है कि जो थाउजेंड्स ऑफ फीमेल्स टर्टल हैं जो वहां पर एग्स देती हैं, तो उस चीज को अपन कहते हैं अरीबाड़ा। तो याद रखिएगा अरीबाड़ा इज अ फेमस टर्म ऑफ हैचिंग ऑफ ओलाइव रेडली टर्टल्स। तो ये ऋषिकुल्या रिवर इसीलिए इतना फेमस है, ठीक है। आप न्यूज में सुनेंगे जब मास हैचिंग होती है इनकी तो रिवर न्यूज में रहती है, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट जो अपनी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है वो है गोदावरी रिवर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, ये नासिक से ओरिजिनेट होती है गोदावरी रिवर। और अगर मैं एग्जैक्ट लोकेशन बताऊं तो याद रखिए त्रिंबक प्लेट्यू है वहां पर नासिक पे, वहां से ओरिजिनेट होती है गोदावरी रिवर। इसकी फेमस ट्रिब्यूटरीज हैं, ये आपको याद रखनी है, एग्जाम में आ सकती हैं, पेन गंगा, वर्धा, वेन गंगा, ठीक है। ये तीनों, ये तीन तो फेमस रिवर है, इन तीनों को कंबाइन करके इसका नाम होता है प्रहनहिता। तो याद रखिएगा इन तीनों कंबाइन जब ये तीनों मीट कर जाती है तो इसको प्रहनहिता के नाम से भी जानते हैं। वैसे तीनों ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, ऑफ गोदावरी। फिर है इंद्रावती, सबरी, सेलेरू और मंजारा रिवर, मंजारा रिवर। तो ये जो है फेमस, दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी रिवर। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आपको ऑप्शन दे दें और पूछ लिया जाए कि ये क्या गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है कि नहीं है, तो आपको याद रखना है। इसमें जो मंजारा रिवर है, मंजारा रिवर है, मंजारा आप कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, इस रिवर के बारे में खास ये है कि जो गोदावरी रिवर है, ऑफ कोर्स लेट अस सपोज ये रिवर मंजारा रिवर गोदावरी पे बीट कर रही है, ठीक है। इसके बीच में एक बहुत फेमस रेंजेस है, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं मैं, और ये रेंजेस का नाम है बालाघाट रेंज। तो पूछा जाता है बालाघाट रेंज किन दोनों फेमस रिवर्स के बीच में, ऑफ कोर्स इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, बट आपको याद रखना है, इससे आपको याद रहे, ठीक है। ये रिवर ऑफ कोर्स गोदावरी ड्रेन कहां होती है अपना पानी, दैट इज एट बे ऑफ बंगाल, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो अब अपन अपनी सिक्स्थ रिवर पे आते हैं, दैट इज ईस्ट फ्लोइंग रिवर, और जो सिक्स्थ रिवर है उसका नाम है कृष्णा रिवर, ठीक है। इसका ओरिजिनेशन पूछूं, ऑफ कोर्स महाराष्ट्र से ही है, जैसे कि गोदावरी का नासिक महाराष्ट्र से था, वैसे इसका भी महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में एग्जैक्ट लोकेशन अगर बोला जाए तो महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होती है कृष्णा रिवर, ठीक है। इसकी भी ट्रिब्यूटरीज है, आपको ट्रिब्यूटरी सिर्फ याद रखनी है कि किसकी ट्रिब्यूटरी है। तो मूसी रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, याद रखिए, कृष्णा। मूसी रिवर पर एक बहुत फेमस सिटी सिचुएटेड है, दैट इज नोन एज हैदराबाद, आपने सुनी होगी, कैपिटल ऑफ तेलंगाना, ठीक है। तो मूसी रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट भीमा, कोयना रिवर, घाट प्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, सीना, याद रखिएगा ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं कृष्णा रिवर की, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको जरूर आप गो थ्रू करिए, ठीक है। और ऑफ कोर्स कृष्णा रिवर आल्सो ड्रेन आउट इट्स वाटर इन बे ऑफ बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज पेन्नर रिवर, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। ये पेन्नर रिवर जो है ये कर्नाटका से ओरिजिनेट होती है, नियर बैंगलोर, मैं आपको बता दूं बैंगलोर के साइड से ओरिजिनेट होती है और वाटर अपना ड्रेन आउट करती है कहां पर, बे ऑफ बंगाल में। और याद रखिएगा अगर पीक पूछा जाए कर्नाटका में कहां से ओरिजिनेट होती है, तो नंदी दुर्ग पीक है, नंदी दुर्ग पीक, वहां से ये रिवर जो है दैट इज पेन्नर रिवर ये ओरिजिनेट होती है और इट फॉल्स इन टू बे ऑफ बंगाल नियर बैंगलोर, मैं आपको हिंट दे रहा हूं कहां से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर है दैट इज कावेरी रिवर, ठीक है। कावेरी रिवर के बारे में आपको बताऊं तो याद रखिएगा ये ओरिजिनेट होती है ताल कावेरी, जगह है ताल कावेरी, वहां से ओरिजिनेट होती है। लोकेशन अगर कावेरी की बात किया तो कर्नाटका स्टेट से ही ओरिजिनेट होती है, कर्नाटका से, और ताल कावेरी जगह का नाम है। और हिल्स का नाम पूछा है तो ब्रह्मगिरी हिल्स, याद रखिएगा ब्रह्मगिरी हिल्स से ओरिजिनेट होती है कावेरी रिवर, ठीक है। इट इज वेरी फेमस रिवर। इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करूं तो याद रखिएगा शिमशा, हेमावती, कंबानी, भवानी, नोयल, अमरावती, ठीक है। ये सारी रिवर्स ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, याद रखिएगा कावेरी रिवर की। इसमें एक फेमस रिवर मैं लिखी है नोयल रिवर, ये जो है इस पर एक फेमस, तमिलनाडु पे एक फेमस सिटी भी है कोयम्बटूर, आपने सुना होगा कोयम्बटूर इसी रिवर के बैंक में सिचुएटेड है, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो कावेरी रिवर कर्नाटका से निकलती है, देन गोज टू तमिलनाडु और ड्रेन आउट कहां जाती है, बे ऑफ बंगाल में। तो अगेन कावेरी रिवर इज इंपॉर्टेंट, इसको आप जरूर गो थ्रू करिए, ठीक है। और लास्ट जो रिवर है दैट इज ईस्ट फ्लोइंग रिवर, इट इज वैगई रिवर। ये वैगई रिवर की अगर मैं बात करूं तो सोर्स याद रखिएगा वरुशंद हिल्स है, वहां से ओरिजिनेट होती है, दैट इज वरुशंद हिल्स। और ये कहां पर है ये हिल्स, इट इज नियर अनामलाई। तो अनामलाई मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में, तो अनामली हिल्स, हलामली जो हिल्स है वहीं पर ये हिल्स लोकेटेड है, वहां से वैगई रिवर ओरिजिनेट होती है। वैगई रिवर पर एक बहुत फेमस सिटी जो है
तमिलनाडु की, दैट इज मदुरई, वो उसमें सिचुएटेड है, तो आपको याद रखना है. ठीक है, तो वी हैव डन द इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स. ठीक है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है विच रिवर इज नोन एज गंगा ऑफ साउथ. साउथ की गंगा हम किसको कहते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए. ठीक है, और जो मेजर रिवर्स थी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स वो हमने कर ली है. आज हमारा रिवर्स का जो टॉपिक है दैट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, वो अपना नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे आपके सामने. दैट इज गोइंग टू बी द सीजन्स ऑफ इंडिया, मतलब हम मॉनसून टॉपिक अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे. रिवर्स ऑफ इंडिया जो था वो प्रीलिम्स के पर्पस से हमने कंप्लीट कर दिया है. तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा आप इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें. कमेंट बॉक्स में अगर इफ यू फाइंड एनी ऑफ द क्वेरीज तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो रिलेटेड टू ज्योग्राफी और अदर कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. थैंक यू.